लोगों को पता ही होगा कि 3 तारीख से जियो का रिचार्ज करने वाला है, रिचार्ज कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं फिर से जा रहा हूँ अपना कॉलेज, और सडनली ही मुझे पता चला कि आज कॉलेज में काम है, इसलिए मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। सो गाइस, चलते हैं अपना कॉलेज। सो गाइस, मुझे रिचार्ज भी कराना है क्योंकि जियो का रिचार्ज का प्लान भी बढ़ जाएगा 3 तारीख से। आप लोग देख ही सकते हैं कि रास्ते के साइड में पानी लग गया है क्योंकि रात में बारिश भी हुआ था। अब हम बस स्टैंड पे कुछ देर रुके बस के लिए, और बस फाइनली आ भी गया, और बस पे चढ़ के मैं चल पड़ा अपने कॉलेज की ओर। यूजुअली बस इतना ज्यादा खाली नहीं रहता है, लेकिन आज खाली है तो मैं वीडियो शूट कर लिया। और बस में से उतरने का वक्त हो गया और हम बस में से उतर भी गए। उसके बाद कुछ देर पैदल जाने के बाद हम ऑटो पे बैठ पड़े एंड वीडियो रिकॉर्ड करते करते चल पड़े हम अपने कॉलेज की ओर। और जब तक मैं कॉलेज पहुंचता हूं, तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो दोस्तों, मैं लगभग कॉलेज पहुँच गए, मुझे 11 बजे बुलाया गया था और अभी 12 बज चुके हैं, तो मैं 1 घंटा लेट भी हो चुका हूँ। फाइनली मैं कॉलेज आ ही गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, मैं कॉलेज के किचन में आ चुका हूँ और आज है day 2 ऑफ मेकिंग स्पेशल मैंगो प्रोडक्ट। आप लोग देख ही सकते हैं, ये कच्चा आम कि आप देख ही सकते हैं, कल आम काटते वक्त घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए मेरा दोस्त ये मोपिंग कर रहा है कि घर क्लीन हो जाए। तो गाइस, आज हम बनाएंगे आम का अचार, इसलिए आम को सबसे पहले मेजर कर लेते हैं, उसके बाद आम को छील लेते हैं। अब ये कच्चा आम देख के मुझे टेस्ट करने का मन किया, तो मैंने ये आम लिया और खाया। तो गाइस, हम लोग वहाँ पे कच्चा आम देख के ये जलजीरा लिया मसाला। जैसा कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि 3 तारीख से जियो का रिचार्ज करने वाला है, और यही सही वक्त है क्योंकि मेरे फ़ोन पर अभी जियो पे रिचार्ज भी नहीं है, तो आज मैं रिचार्ज करा लेता हूँ। तो चलिए मैं रिचार्ज कर लेता हूँ। सो गाइस, अब हम स्कूटी में चढ़कर चल पड़े मार्केट की ओर, क्योंकि हमें मैंगो प्रिजर्वेशन के लिए कंटेनर चाहिए था, और हम कंटेनर खरीदने के बाद खाने के लिए मैगी खरीदे, उसके बाद कॉलेज के किचन में सबके लिए। कट गया मेरा, उसके बाद मैम ने आकर ये ट्रीटमेंट किया। फिलहाल अभी का हालत तो सही है। उसके बाद मैंने ऑटो पे बैठा और चल पड़े अपने घर के ओर।